Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं, मया तद्मिदं सर्वं जगत् व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। भगवान कह रहे हैं, मया तद्मिदं सर्वं जगत् व्यक्त मूर्तिना, अर्थात मैं इस समग्र ब्रह्मांड में अपने अप्रकट स्वरूप द्वारा व्याप्त हूँ। मतस्थानी सर्वभूतानी, अर्थात समस्त प्राणी मुझ में स्थित है। न चाहम तेष्वस्थित, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान एक ही समय में प्रत्येक वस्तु में कैसे स्थित हो सकते हैं? ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े फैक्ट्री का मालिक वहाँ न होकर भी उनके कार्यकर्ता उन्हें कोने कोने में पाते हैं, या सूर्य व सूर्य के प्रकाश जो भिन्न होकर भी अभिन्न है, तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? सृष्टि में भगवान को देख पाना सर्वत्र असंभव नहीं है, क्योंकि वह सर्वत्र उपस्थित है। लेकिन यदि हम उनसे कहें कि अपना विराट रूप दिखाओ, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि भगवान के द्वारा कही किसी एक बात या किसी एक कार्य पर तो विश्वास करे, लेकिन आदि को ठुकरा दे। अगर विश्वास करना है तो पूरी तरह करना चाहिए। इस संबंध में मैं आपको नारद मुनि की एक कथा सुनाती हूँ। हरे कृष्णा।